टाइफाइड जिसको मियादी बुखार भी कहते हैं और गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जाता है और इससे काफ़ी मरीज आते हैं और अगर इलाज ना कराया जाए तो ये काफ़ी गंभीर परिस्थिति भी पैदा कर सकता है। गर्मियों के टाइम में दरअसल लोगों में खान पान में बाहर की चीज़ें जो खुले में बिक रही हैं इसमें एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी, उसकी वजह से ये फैलता है और इससे बच्चे बूढ़े सारे लोग प्रभावित होते हैं। जो लोग भी चूँकि जो पानी गंदा पिएं या बासी खाना खाएं, सब्जी जो भी कटे हुए फल जो बाज़ार में रखे रहते हैं, गन्ने का जूस है, इस तरीके की जो भी चीज़ें जिसमें मक्खियाँ और इस तरीके की चीज़ें रहती हैं, इन्फेक्शन फैलता है, उसकी वजह से ये फैलता है। देखिए लक्षण इसके जो टाइफाइड के होते हैं जिसको मियादी बुखार कहते हैं, इसमें बुखार सबसे ज़्यादा तेज़ बुखार होता है और लैडर शेप्ड में बुखार आता है, चढ़ना उतरना सब इस तरीके से उसमें रहता है। पेट दर्द होता है, चकत्ते पड़ जाते हैं शरीर पे, बच्चों में चकत्ते ज़्यादा पड़ते हैं, पेट दर्द सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ होता है चूँकि ये बुखार पेट पे ही प्रभावी करता है, सबसे ज़्यादा पेट पे प्रभावी करता है और काफ़ी 3-4 हफ्ते तक इसका बुखार चलता है। बाद में एक कॉम्प्लिकेशन भी इसके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको लेकर ये बुखार फैलता है और अगर इलाज ना कराया जाए तो ये काफ़ी गंभीर परिस्थिति भी पैदा कर सकता है। देखिए जब बुखार होता है तो हम लोग जैसे अपने अस्पताल में सभी के लिए ब्लड का जो फीवर प्रोफाइल है वो कराते हैं, तो उसमें टाइफाइड भी एक पार्ट होता है। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ होती है कि डिटेक्ट हो जाता है ये, तो कल्चर करा लेते हैं, ब्लड कल्चर में सबसे अच्छा है, विडाल टेस्ट होता है, typhi.IgG IgM इसमें होता है और स्टूल का कल्चर, यूरिन कल्चर, इन सब कल्चर में डायरेक्ट इसको देखा जा सकता है साल्मोनेला टाइफी को, तो ये देखकर डायग्नोसिस बनाकर और फिर उसका उस तरीके से इलाज किया जा सकता है। इसकी दवाएं बहुत ही अच्छी उपलब्ध हैं, सही समय पे सही इलाज कराना, जो भी डॉक्टर हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं हमारे गांव के, PSC CSC हेल्थ वेलनेस सेंटर, बहुत सारी सुविधाएं हैं, जिला अस्पताल, कहीं पे भी जाकर इसको इलाज कराया जा सकता है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। हाँ, इसके टीके भी आते हैं, उसको भी लगाया जा सकता है। प्रिकॉशन इसमें वही कि पानी जो भी पी रहे हैं उसको उबाल के पिए, बाहर की कोई भी चीज़ कटे फटे बाहर के जो दुकानों पर बिक रही हैं उसको ना खाएं, बासी खाना ना खाएं और उबला हुआ पानी पिए। इस तरीके से हम अपने खान पान को बेहतर करके इससे आराम से बचा जा सकता है। देखिए फ्लूड थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए जब भी होता है फीवर, तो फ्लूड रिप्लेसमेंट ORS ज़्यादा से ज़्यादा लें और घर का ही खाना खाएं, घर का जो भी पका हुआ खाना है उसी का सेवन करें और उससे आराम से इससे बचा जा सकता है। बल्कि बाकी डॉक्टर से दवा ले लें, दवा जो भी चल रही हो दवा खाते रहें और इससे अच्छे से 5 से 1 हफ्ते के बीच में ठीक हुआ जा सकता है।